और अब शुरुआत करेंगे एक मिनट एक खबर से। सबसे पहले हम आपको धू धू कर जलते जंगल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम में जहां एक ओर पहाड़ों पर बर्फबारी है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगल सुलग उठे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जंगल की आग बेकाबू होने लगी है। आग तेजी से आसपास के जंगलों में फैल रही है, जिससे वन संपदा नष्ट हो गई है। जंगलों में लगी आग से चारों ओर धुंध फैला हुआ है। आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम और स्थानीय लोग जुटे हैं। बताया जा रहा है कि 10 हेक्टेयर की भूमि में आग फैल चुकी है और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। रात के समय में आग की लपटें 5 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही है। जंगल में रहने वाले वन्य जीव भी आग की चपेट में आ रहे हैं। आग के धुएं से वातावरण में धुंध है, जिसे लोगों को सांस लेने में दिक्कत सहित आंखों में जलन और गले में खराश की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग आग बुझाने में जुटा है, लेकिन खड़ी चट्टान और गहरी खाई होने से दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कुल्लू के बिजली महादेव के नीचे और जिया गांव के साथ लगती पहाड़ी में मंगलवार को ये आग लगी, जो पेछा गांव तक पहुंच गई है। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन का आज 49वां दिन है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नए कृषि कानूनों पर लागू उन्हें करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो क्या है अदालत का फैसला, आपको 60 सेकंड में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश देते हुए केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 4 विशेषज्ञों की एक कमेटी बना दी। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने फैसला देते हुए कहा, यह अभूतपूर्व स्थिति है जब हमने किसी कानून के अमल पर रोक लगाई है। ये कदम सिर्फ इसीलिए उठाया गया है ताकि गतिरोध खत्म हो सके। ये इसीलिए ताकि किसान नेता आंदोलनकारियों को समझाकर घर भेजे। हमारा मानना है इससे किसानों की दुखी भावनाएं शांत की जा सकती है। इससे किसानों को बातचीत करने का प्रोत्साहन मिलेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा। कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, इंटरनेशनल पॉलिसी इंस्टीट्यूट के प्रमुख डॉक्टर प्रमोद जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अनिल घनवट को रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 10 दिन के अंदर पहली बैठक करने और इसके 2 महीने बाद अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसान नेता आंदोलन खत्म करने की तैयारी में नहीं है। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा है कि उनकी मांग तीनों कानूनों को रद्द करने की है, ना कि उसमें संशोधन की। इसीलिए किसान संगठन ऐसी किसी कमेटी में अपना पक्ष रखने नहीं जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि आंदोलन तीनों कानूनों को रद्द करने पर ही रुकेगा। होल्ड नहीं हो तो कैंसिल ही होना चाहिए कानून, तो कमेटी अगर बनेगी तो धरना चलता रहेगा। किसान संगठनों ने पहले से ही आज यानी 13 जनवरी को कृषि कानूनों की कॉपियां जलाने का ऐलान कर रखा है। तो वहीं दूसरी ओर आज मुंबई के आजाद मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसे दोपहर 1 बजे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक के बाद राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने किसानों का समर्थन करते हुए कमेटी पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि चारों सदस्य प्रधानमंत्री के लोग हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, क्या कृषि विरोधी कानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये संघर्ष किसान मजदूर विरोधी कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगा। कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं। ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी? वहीं दूसरी ओर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही साथ उन्होंने किसान संगठनों को भी सलाह दी है कि वो समिति के सामने पेश हो ताकि इस मामले का निपटारा हो सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट ने कहा कि आंदोलन कहीं रुकना चाहिए और किसानों के हित का कानून बनना चाहिए। जो आंदोलक किसान नेता है उन्होंने कमेटी के साथ सहकार्य करके चर्चा करके उनकी बात रखनी चाहिए।
देश में 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी जोरों पर है, तो आइए आपको बताते हैं कहां कितनी वैक्सीन पहुंच चुकी है। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की अब तक 54,71,000 डोज देश के 13 शहरों में पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज के रखने के बाद इन वैक्सीन को वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंचा दिया गया। ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। वैक्सीन की कीमत और उसके असर को लेकर सवाल उठाने वालों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि ना शक करें ना भ्रम फैलाएं। वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन लगाने से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। There is absolutely no doubt about safety and immunogenicity. कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन दी जानी है। वैक्सीन की 2-2 डोज दी जाएंगी, दूसरी डोज में 4 हफ्ते का अंतर होगा। और अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर। संसदीय समिति ने शिक्षा विभाग को छात्रों के लिए क्या सुझाव दिया है, अब आप ये जानिए एक मिनट में। संसद की एक समिति ने शिक्षा मंत्रालय को सुझाव दिया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ा क्वेश्चन बैंक दिया जाए और बोर्ड परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न दिए जाएं, ताकि कोरोना वायरस महामारी के चलते पढ़ाई अधूरी रह जाने की भरपाई की जा सके। सूत्रों के मुताबिक स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 के असर पर मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि समिति के सदस्यों ने गरीब परिवारों के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवहारिकता पर भी सवाल खड़े किए। समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि मंत्रालय को विज्ञापनों और अन्य माध्यमों से दूरदर्शन आकाशवाणी द्वारा विभिन्न विषयों की पढ़ाई का प्रसारण किए जाने का प्रचार प्रसार करना चाहिए था। इससे पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा इस बार 5 मई से 21 जून के बीच होंगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी को तमिलनाडु का दौरा करेंगे, जहां पर वो जलीकट्टू के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तमिलनाडु में पोंगल पर्व यानी मकर संक्रांति के अवसर पर जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है। ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल माना जाता है, जिसमें लोग बैलों को काबू में करने की कोशिश करते हैं। हालांकि पशु प्रेमी इसका विरोध करते हैं। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाई थी, लेकिन लोगों की नाराजगी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने अध्यादेश पास करके इसके आयोजन को अनुमति दे दी थी। अब राहुल गांधी इसी जलीकट्टू कार्यक्रम में 14 जनवरी को शामिल होंगे। राहुल मुद्देर जिले के अवनीपुरम में जलीकट्टू कार्यक्रम में पहुंचेंगे और आंदोलन कर रहे किसानों को अपना नैतिक समर्थन भी देंगे। तमिलनाडु में कांग्रेस के अध्यक्ष अलागिरी ने राहुल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैल किसानों का प्रतीक है और उनकी जीविका का हिस्सा है। उनके मुताबिक राहुल गांधी का दौरा किसानों और समृद्ध तमिल संस्कृति को सम्मान देने के लिए है। हालांकि कहा जा रहा है कि राहुल इस दौरान किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की समीक्षा के लिए बनी कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की है, अब आपको ये जानना चाहिए। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की समीक्षा के लिए बनी कमेटी ने मंगलवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने टीआरपी को पारदर्शी बनाने के लिए कई सिफारिशें की है। एक अहम सुझाव 55,000 टीआरपी मीटर बढ़ाने का भी दिया गया, ताकि टीआरपी आकलन का दायरा बढ़े, हेरफेर की आशंका कम हो, ज्यादा पारदर्शिता हो, और जो पारदर्शिता होगी वो आज केवल 55,000 मीटर के सहारे टीआरपी रेटिंग होता है, उसके जगह उसका बेस बहुत ज्यादा बढ़े, ताकि फिर कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं रहेगी। पिछले दिनों टीआरपी विवाद सामने आने के बाद सरकार ने प्रसार भारती के सीईओ की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की इस कमेटी का गठन किया था। सूचना प्रसारण मंत्रालय रिपोर्ट के अध्ययन के बाद टीवी रेटिंग एजेंसियों को नई गाइडलाइंस जारी करेगा। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजनीति किस तरह से गर्म है, अब आप देखिए इस रिपोर्ट।
पटना में अज्ञात हमलावरों ने इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह पर सरेआम गोलियां बरसाई जिससे उनकी मौत हो गई। मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे ऑफिस से घर लौटते वक्त रुपेश पर हमला हुआ। हमलावरों ने रुपेश पर 6 राउंड गोलियां चलाई और फिर फरार हो गए। अब इस हत्याकांड पर राजनीति गर्म है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और आरोप लगाया कि बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। विपक्ष हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने भी पुलिस पर सवाल उठाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। पटना पुलिस के लिए ये सबसे चुनौती का ये केस आया और उनको 3 से 5 दिन में अपना निर्धारण करना पड़ेगा अपनी सक्षमता को कि वो सक्षम है इसको अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए या इमिडिएटली उनको बिहार सरकार को इसको सुपुर्द कर देना चाहिए सीबीआई। और अब देखिए बिहार में कांग्रेसियों की कुर्सी फेंक लड़ाई। पहले हंगामे की ये तस्वीरें देखिए, फिर आपको बताएंगे कि ये सब कहां हो रहा है। हंगामा शुरू हुआ, धक्का मुक्की हुई और कुर्सी भी फेंकी गई। ये तस्वीर पटना के सदाकत आश्रम की है। 15 जनवरी को कांग्रेस किसान अधिकार रैली करने वाली है जिसे लेकर यहां बिहार किसान प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई थी और बैठक के दौरान ही यह हंगामा शुरू हो गया जहां कुर्सी फेंकने की नौबत आ गई। मंच से बार बार कार्यकर्ताओं से बैठने का आग्रह किया जाता रहा लेकिन यह हंगामा बंद नहीं हुआ। इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास भी मौजूद थे। नाराज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश के सियासी रण में भी एंट्री कर ली है। ओवैसी की एंट्री से कैसे अखिलेश यादव और मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आपको ये देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी दम दिखाने को तैयार है। मंगलवार को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ और जौनपुर का दौरा किया और अपनी आगे की रणनीति भी साफ कर दी। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, मैं पूरे यूपी में फिरूंगा जनाब राजभर साहब के साथ। बड़ी और अहम बात यह है कि आजमगढ़ से ही अखिलेश यादव सांसद हैं और ओवैसी वही सबसे पहले ताल ठोक रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव को उम्मीद है कि आजमगढ़ समाजवादियों का ही गढ़ रहेगा। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है और हमारा आज का रिश्ता आजमगढ़ से नहीं है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से रहा है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते ओवैसी को आजमगढ़ में एंट्री नहीं मिल सकी जिसकी वजह से उन्हें वहां अपनी कई सभाएं रद्द करनी पड़ी थी। जाहिर है ओवैसी की एंट्री से उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। ओवैसी की कोशिश है कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरा जाए। और अब बात मौसम के मिजाज की करेंगे। कड़ाके की ठंड झेलने वाले दिल्ली वासियों के लिए अभी हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में क्या है मौसम का अलर्ट, आप जानिए एक मिनट में। दिल्ली एनसीआर में लोगों को सर्दी की मार अभी और झेलनी पड़ेगी। अगले 2 से 4 दिन दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। भारतीय मौसम विभाग ने ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है और अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। इसमें पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की आशंका है। आशंका यह भी है कि इस दौरान दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा जिसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ सकता है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इन इलाकों में 14 जनवरी तक मौसम खुलने के आसार हैं। दिल्ली के लिए मुसीबत बाकी है और पहाड़ों पर अभी क्या हालात हैं, अब पूर्वी लद्दाख की तस्वीर आपको दिखाएंगे।
पूर्वी लद्दाख की ये तस्वीर देखिए। यहाँ सड़क पर चलती इस मशीन के अलावा आपको सब कुछ सफेद दिखाई देगा। आसमान और जमीन के बीच फर्क करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग दिखाई दे रहा है। तापमान माइनस में है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बर्फ हटाने का काम कर रही है ताकि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मार्ग और दर्रे बर्फ की वजह से बंद न हो और सैन्य गतिविधियों पर असर न पड़े। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है। डल झील पूरी तरह जम गई है, पानी ठहर गया है और झील में अब लहरें नहीं दिखाई दे रही हैं। बेशक आसमान से बर्फ की बारिश नहीं हो रही है लेकिन शीतलहर चल रही है। पहाड़ अब भी बर्फ से ढके हुए हैं। श्रीनगर में तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं गुलमर्ग में तापमान -11 डिग्री पहुंच गया है। आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ सकती है। घाटी में 31 जनवरी तक चिल्ले कला का दौर जारी रहेगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे अब तक बंद है लेकिन राहत की बात यह है कि हवाई सेवा शुरू हो गई है। और अब देखिए केदारधाम में बर्फबारी की तस्वीर। देवभूमि उत्तराखंड के केदारधाम की तस्वीर देखिए। रुद्रप्रयाग में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम बर्फ से ढक गया है। केदारनाथ मंदिर 3 फीट तक बर्फ से ढका हुआ है। केदार घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ बर्फ से सफेद हो चुके हैं। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले सभी पैदल मार्ग भी बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में भी बर्फ जमी हुई है। हालांकि फिलहाल बर्फबारी बंद है। धूप खिलने की वजह से इन पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ गई है और यही बर्फ पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। यहाँ पे देवरियाताल बहुत अच्छा लगा। हम चौपता गए थे, चौपता से फिर देवरियाताल के बारे में सुना। देवरियाताल हम गए, देवरियाताल में बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, उनके ऊपर बर्फ भी दिखी थी और एकदम पीस वाली जगह है, शांति वाली। एक बार आपको वहाँ पे जाना चाहिए। और अब आपको हौसले की ऐसी मिसाल दिखाते हैं जो आप में भी जोश भर देगी। अब आपको हौसले और हिम्मत की दो अलग अलग कहानी दिखाते हैं जो देश के युवाओं को प्रेरणा देने वाली है। ये हैदराबाद के मोहम्मद खान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल लाने वाले पहले भारतीय हैं। मोहम्मद खान की उम्र महज 22 साल है लेकिन इरादे बड़े हैं। आम दिनों में 6 घंटे की ट्रेनिंग करने वाला ये खिलाड़ी एक टैक्सी ड्राइवर भी है। हालात चाहे जैसे रहे हैं लेकिन सपने देखकर उन्हें पूरा करने के जज्बे में कभी कमी नहीं आने दी। और अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर की बंजीत कौर से मिलिए। जम्मू कश्मीर की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। पिता स्कूल बस चलाते थे लेकिन लॉकडाउन में वो काम भी छूट गया। तब घर की बेटी ने परिवार की मदद के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। अब सुनिए कि बंजीत के सपने क्या हैं, वो क्या बनना चाहती हैं। मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ अभी और मेरी एनसीसी भी है, मैंने एनसीसी भी रखी है। मैं डिफेंस में जाना चाहती हूँ और मैं पढ़ भी रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ मैं ऑटो भी चलाती हूँ। देश में आज लोहड़ी की धूम है तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे एक दिन पहले ही जवानों ने इसका जश्न मनाया। आज लोहड़ी है लेकिन जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने कल यानी मंगलवार को लोहड़ी का उत्सव मनाया। सीआरपीएफ कैंप के जवानों ने मिलकर जश्न मनाया। हम सब त्योहार इतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम ये नहीं पता लगने देते अपने जवानों को कि वो अपने घर से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं। हमेशा हर साल इसी तरह से हर्षोल्लास से हर त्योहार को एक साथ मनाते हैं सर, और हमें कोई परिवार का फील नहीं होता। एक साथ परिवार में सभी लोग, हर भाई एक साथ मिलकर मनाते हैं सर। और इस मौके पर सभी ने जमकर डांस भी किया। परिवार से दूर रहकर हर वक्त देश की सुरक्षा में तैनात रहते, इन्हें एक साथ खुशी मनाने का मौका कम ही मिलता है लेकिन जब मिलता है तब दिल खोलकर जश्न होता है और ये छोटी छोटी खुशियां यादगार बन जाती हैं।